महाराष्ट्र के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते नदी, नाले और डैम सब उफान पर हैं। रत्नागिरी में भारी बारिश के कारण सड़क बह गई, तस्वीरें आप देख रहे हैं। रत्नागिरी के खेड़ तालुका में शिवतार नामदारे वाड़ी सड़क पानी के तेज बहाव में टूट गई। सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया। मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक मध्य महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जिसमें मुंबई भी शामिल है। इसके साथ ही लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। यहाँ के कोर्टुलम वाटरफॉल का बहाव तेज हो गया है। खतरे को देखते हुए लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अधिकारी पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना तेज है, वाटरफॉल से कितनी तेजी से पानी नीचे गिर रहा है, और यही कारण है कि यहाँ लोगों को अब जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। और साथ ही इस पूरे इलाके में जो अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए हैं। भारी बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है, जिस कारण पानी अपने साथ मलबा मैदानी इलाकों तक ला रहा है। महाराष्ट्र के ठाणे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए कैसे बारिश से चट्टान कमजोर हुई और बड़ा हिस्सा गिरा और कार को चकनाचूर कर दिया। ये आप देख रहे हैं, ठाणे की तस्वीर है। बारिश के कारण चट्टान कमजोर हो गई, जिससे पहाड़ से चट्टान का एक हिस्सा टूटकर कार के ऊपर गिर गया। अब रास्ता साफ किया जा रहा है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि बारिश का रेड अलर्ट इलाके में जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और आप देखिए कि जो मुसाफिर और गाड़ियां यहां से गुजर रही हैं वो इस मंजर को देखकर हैरान हैं।